हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पाइसी हरी मिर्च का अचार बनाने जा रहे हैं जो कि हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना जल्दी से। हरी मिर्च के अचार के लिए सबसे पहले हमने मिर्च को वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमने इसको ऐसे यहाँ पे बीच में सेंटर से हमने इसको नाइफ की हेल्प से एक चीरा लगा देना है, मतलब हल्का सा हमने ऐसे कट करना है ताकि हमारा जो मसाला है वो इसके अंदर स्टफ हो जाए। तो ऐसे हमने सारी मिर्च को पहले रेडी करके रखना है। अब गरम ऑयल में इसमें हमने पिसी हुई राई, अजवाइन, मेथी, इसको मैंने अलग से पीस के रखा हुआ, इसको भुनना है। साथ ही नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, थोड़ी सी हींग डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक मिनट भुनने के बाद इसमें हम जो हमारी कटी हुई मिर्च है वो डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को कर देंगे अब हम बंद। बस मसाले को हमने ऐसे ही पीस के ठंडा होने पे कंटेनर में स्टोर करेंगे। 2 दिन के अंदर ये मिर्च हमारी खाने वाली क्रंची मिर्च जो है हमारी रेडी हो जाती है। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसे ठंडा होने देंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्रिजर्वेटिव। अब ये मिर्च हमारी ठंडी हो चुकी है, इसमें हम सोडियम ऐड करेंगे और थोड़ा सा सिरका। इसे डालने से हमारी ये मिर्च ख़राब नहीं होती है, इसे आप कभी तक भी रख सकते हैं, 1 साल 2 साल तक आराम से चलती है। ये अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे डाल के, अच्छे से मिक्स करके फिर आप किसी भी कंटेनर में इसको रख सकते हैं। धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस 2 दिन आप ऐसे ही रख सकते हैं और 2 दिन के बाद ये खाने के लिए हो जाती है। अभी हमारा स्पाइसी मिर्च का अचार रेडी है। सोडियम हमने इसमें ऐड कर दिया, जब कंटेनर में डालेंगे तो थोड़ा सा सिरका डाल के 1-2 दिन तक आपको इसको हिलाना पड़ेगा, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के बाद आप इसे खा सकते हैं। सिरका आप कोई भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप वो वाइट वाला सिरका जो होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ये वाला ब्राउन वाला भी, मेरे पास ब्राउन वाला अवेलेबल था तो मैंने यही वाला ऐड किया है। अब अच्छे से इसको हिला के आप किसी कंटेनर में स्टोर कर दीजिए। तो आप ये मिर्च का अचार ट्राई कीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।